और पर्सनल काम के लिए भी नहीं हमारे नहीं आएंगे आएंगे पास कभी। ये ये भी आप कह रहे हमारे हो, रिटायर ये भी पर्सनल आप के कह लिए रहे हो, नहीं अगर है, हम पर्सनल काम के लिए जब नहीं आएंगे आएंगे जैसे आवाम के जी लिए। एम्प्लाई रिटायर्ड हुए हैं साइड में रखा जाता है, नहीं ऐसा नहीं। दूसरा जो आपकी, चलो मैं पहुंचू ना पहुंचू, जो आप प्यार है पैसे नहीं है। और एक चीज बोलूं, मैं प्यार का बस मैंने उनको आते हुए बोला है, जो मेरे पास पहले सुबह आए थे मैं उनको यही बोला है, वो अक्सर भी पहचान लेता कि पर्सनल जब भी बोलो कोई काम आपके मेरे लायक कोई होगा। जब हम चाहते हैं कि वहां तक वो डिलीवर हो, नहीं अच्छा आप ऐसा चल रहा है वो नायब साहब तो नहीं है इसमें, ट्राई करता हूँ कि आपको वापिस कर दे। तो मैंने कहा नहीं सर, इधर की हॉस्पिटैलिटी आप लोगों की काबिल तारीफ है। तो बाकी रही बात काम की, आप कोई काम किसी वक्त फोन नंबर, कोई काम होगा किसी किस्म का, किसी की कोई हेल्प, देखो हम पब्लिक सर्वेंट है, हमारा काम ही यही है, हमें पे ही इसी चीज की मिलती है कि गरीबों का काम करना, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग, और आप जैसे सोशलिस्ट लोग हैं, अगर किसी गरीब का काम हमारी वजह से होता है तो ये हम अपने आप की कुछ किस्मत समझेंगे कि हम किसी के काम आ सके। सर हम अधूरी पेमेंट, रही हुई पेमेंट्स है उन पर भी गौर की जाएगी, और जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट होगी वो हल की जाएगी। तो हमें सुकून हुआ, हम मिले बी डी ओ साहब से, और हमें यकीन है कि बी डी ओ साहब हमारे इलाके के ये जरूर एक बार एक अच्छा काम करके गांव से हम यहां से हमारे एक डेपुटेशन बी डी ओ साहब के पास आए। बी डी ओ साहब क्योंकि अभी ज्वाइन हुए हैं, वो बाहर के हैं, तो हमने बेहतर समझा कि उनकी, क्योंकि यहाँ होता है अफसर जो आता है वो उसको आता है, तो हमने उनको आप साहब के जो मसाइल से जितने उनसे हमने उनको रोशनास किया, तो हमने उनको बोला कि हमारा इसमें जो करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। तो हम चाहते हैं कि जो 2019 के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में तब्दीली हुई है, तो मोदी जी चाहते हैं कि जो आखिरी आदमी है, जो लास्ट पर है, जिस तक आज तक गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं पहुंची, वो पहुंचनी चाहिए। साल से जो हमारी पंचायत के हालात थे, लोगों के पैसे नहीं पड़ रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, बहुत ही गरीब लोगों के बाढ़ रहे हैं। इससे पहले हम ए सी डी साहब से भी मिले, उन्होंने भी हमें बहुत रिस्पॉन्स दिया है, और बी डी ओ साहब बहुत ही अच्छे हैं, और हमें जो हमने वेलकम किया है, उन्होंने कहा जो भी मसले मसाइल आपके हैं, और मैं पूरी उम्मीद देता हूँ मैं साहब जी पंचायत का दौरा भी करूँगा, और जिन गरीबों के काम नहीं है उनको इंशाल्लाह काम भी होंगे, जो पहले आपके बकाया जो भी आपके पैसे हैं उन पर फिर पूरा हम तावन करने। पंचायत ए से हमारा एक जो वफद है, आज हम बी डी ओ साहब के पास गए हैं जो अभी नए आए हैं, और हमने उनको अपने जो साहब जी पंचायत ए के मसले और मसाइल हैं वो उनके आगे हमने रखे, और उनका हमने यहाँ आने का, यहाँ पोस्टेड आने का उनका वेलकम भी किया, और हमने कुछ अपनी पंचायतों के जो मसले हैं हमारे, जो हमारी मुश्किलें हैं गरीब आवाम की, हमने वो उनके साथ वो चीज़ें शेयर की। तहसील मंडी में पूरी पंचायत साहब जी के लोगों ने वेलकम किया, उसमें जो है हमारे अफजल साहब, एमडी साहब, इंतजाज भांडे साहब, इनकी क्यादत में एक वफद जो है बी डी ओ साहब से मिला है। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट इंतजामिया का तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ, क्योंकि इतने बेहतरीन अफसर जो है मंडी में तैनात किए हैं, क्योंकि यहाँ पर पासविंदा इलाका है, गरीब इलाका है, और ऐसे अफसरों की जो है मंडी में बड़ी ज़रूरत है। जिस तरह हमने उनसे बात की, उन्होंने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है हर गरीब तक पहुँचाने का, उन्होंने कहा कि हम गरीब तक, हर गरीब तक पहुँचेगा। मैं गवर्नमेंट इंतजामिया का शुक्र गुजार हूँ, क्योंकि इतने एक बेहतरीन अफसर जो है मंडी में तैनात किए हैं। शुक्रिया। सिटी डेंटल हब आर्थोडोंटिक सेंटर नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ में दस्तयाब है डॉक्टर दानिश सहूर डेंटल सर्जन की निगरानी में आपके दांतों की मुश्किलात हल करने के लिए तिबी सहूलियात। दांतों की किसी किस्म की तकलीफ हो या हो मसूड़ों की परेशानी, अब आपके शहर पुंछ में खुल चुका है सिटी डेंटल हब नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ। अपने दांतों की किसी किस्म की तकलीफ के लिए तशरीफ लाइए सिटी डेंटल हब, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक, सोमवार से एतवार तक यानी हफ्ता भर। मजीद जानकारी के लिए नंबरात पर रब्ता भी कायम कर सकते हैं, नंबर है 7006608751।